वेलकम बैक इन जागो लाहौर। हम वापस आ गए हैं और अभी हमारे साथ दो बहुत प्यारे प्यारे से मेहमान भी आ गए हैं सेट पर, उनका भी तारुफ आपसे करवा दूं। फनकार हैं और कलाकार हैं जिसको हम कह सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ राना बोबी है और ये टीवी रेडियो आरजे हैं, होस्ट हैं 14 ईयर्स से, उसके अलावा सिंगर हैं, लिरिस्ट हैं और इसके बाद कंपोजर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा अभी हमारे साथ दुआ भी मौजूद है। दुआ एक एक्ट्रेस है, एक होस्ट है और एक मॉडल है, तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी गपशप करेंगे। अच्छा दुआ, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगी, मुझे बताएं कि कैसे होस्टिंग में आई, कहाँ पर होस्ट कर रही हैं और अभी क्या क्या आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। होस्टिंग में आने का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि पहले वैसे मेरा प्लान कुछ भी नहीं था होस्टिंग का। मुझे लगता था कि शायद मैं मुझे होस्टिंग की वो नहीं है ना, स्किल होता है कि आप बात कर सकते हैं, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता था नॉन स्टॉप बात करते जाओ करते जाओ। तो मैं बेसिकली एज एक्ट्रेस ही काम कर रही थी, तो मुझे एक दिन अचानक स्टार एशिया पर वैसे मैं भी प्रोग्राम कर रही थी, मेरा भूज पहली प्रोग्राम, तो मुझे एक दफ़ा सर ने बोला कि यू शुड टू डू, आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं मैं प्रोग्राम नहीं करूँगी। तो उसके अलावा उन्होंने कहा कि नहीं आप कर सकते हैं, आप इसको करें। तो फिर खैर मैंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया और उसके बाद फिर प्राइवेट शोज में मैंने किया, रात फतेह अली खान का, नदीम आवाज का, इसी तरह फिर एक होस्टिंग का सिलसिला चलता है। कब से करिए होस्टिंग को? मुझे आप 6 मंथ्स लगा रहे हैं, 6 माह से हाँ होस्टिंग की है मैंने। और ड्रामास वगैरह? ड्रामास का तो मेरा अभी अपकमिंग में मेरे 2 सिटकॉम है, टेलीफिल्म है, अभी ऑन एयर मेरा रांझा रांझा कर दिया है। अच्छा, जिसमें मैं बता दूंगी मुझे बहुत ज्यादा ब्लैक बनाया गया, इतना ब्लैक बनाया गया कि पहचानने में बिल्कुल भी नहीं आती है। वो बिल्कुल एक इस तरह यहाँ पे काला हर जगह मुझे कर दिया गया। तो मैं जब अपनी पिक देखती हूँ अक्सर, या मोस्टली जैसे ड्रामा ऑन एयर होता है तो मैं देखती होती हूँ, तो मैं दिल नहीं करता खुद को देखने का। चलें आपसे भी बात करेंगे, अभी बोबी से बात कर रहे हैं। अच्छा बोबी, अभी कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या चल रहा है? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको भी और देखने वालों को भी। सेकेंडली मुझे आई वॉज इन नो लेवल्स इन 14 ईयर्स बैक, अगर आप चले जाएं तो कहते हैं ना कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की सजा पाई है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। रेडियो टेलीविजन चल रहा है, एज अ मॉर्निंग शो होस्ट करना, गेस्ट शो होस्ट करना, रेडियोज पे शोज करना, आउटडोर करना, फिर ड्रामा राइटर भी रहा हूँ मैं। ठीक है, लॉन्ग प्लेस लिखे कुछ चैनल्स के लिए। ठीक है, तो लाइफ इज़ रियली गुड। अगर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक एक मेरा पैशन था जो कहीं बहुत पीछे था, तो वाइल डूइंग रेडियो, वाइल डूइंग टीवी और बाकी तमाम एक्टिविटीज़, तो मुझे लगा यार म्यूज़िक लाइक बहुत पीछे चला गया। 6 सॉन्ग्स मैंने रिलीज़ कर दिए लेकिन उस पर कभी काम ही नहीं किया। ठीक है, काम इन अ सेंस के कभी उनको उन पे आगे आके मजीद और नया काम नहीं किया। सो दैट्स वाई फिर मैंने डिसाइड किया कि ना अब हम म्यूजिक को लेके चलते हैं। दैट्स वाई न्यू ईयर पे एक नया गाना मेरा रिलीज हो रहा है, दैट्स रियली यू नो इट्स एंटायरली डिफरेंट सॉन्ग, लोग देखेंगे सुनेंगे उनको बहुत मजा आएगा, यकीनन हम एंजॉय करेंगे। अच्छा मैं आपका रेडियो का एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी क्योंकि मुझे खुद शौक रहा है, शुरू से रेडियो करना चाहिए मुझे, मुझे लगता है मैं टॉकेटिव हूं तो मुझे करना चाहिए था, अभी वो शौक ही रह गया। अच्छा किस तरह से स्टार्ट किया ये सारा? रेडियो रेडियो सिर्फ आपका एक चीज मांगता है, वो मांगता है कि प्लीज यार चुप मत होना क्योंकि जहां पर आप चुप कर गए समझे आप फिनिश्ड हैं, बाकी चीजें आप गाहे बगाहे सीखते रहते हैं, रेडियो आपको सिखाते रहता है। लेकिन अगर आप टॉकेटिव हैं, एक होता है ज्यादा बोलना, बेजा बोलना, और एक होता है अच्छा बोलना। अच्छा बोलना, सो रेडियो डिमांड करता है आप जितना मर्जी बोलें लेकिन क्वालिटी टॉक करें, आप अच्छा बोलें, एटलीस्ट कहीं ना कहीं जो कंटेंट आपके पास है, जिस कंटेंट पे आप बात कर रहे हैं उस पर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग हो, उस पर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो और जो लोगों की जिंदगी से रिलेटेड आप कर रहे हैं, आप लोगों की यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। अगर आप लोगों की रियल लाइफ से रिलेटेड बात नहीं कर सकते तो इट मींस यू आर फेक, आपके पास कुछ है ही नहीं है। सो रेडियो पर सर्वाइव करने के लिए आपको लोगों के दिल की बात करना बहुत जरूरी है, उनकी जिंदगी की बात करना बहुत जरूरी है जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करती है। तो अभी म्यूजिक की तरफ आ गए टोटली या? नो रेडियो चल रहा है, रेडियो आई एम डूइंग ट्वाइस शो इन वीक। ठीक है, रेडियो इज ऑन FM 100। ठीक है, एवरी फ्राइडे एंड संडे नाइट रात 12 से 3 द प्रो टाइम। ठीक है, आप सुलाते हैं या वहां पर जगा के? नो, फ्राइडे नाइट शो इज अ धमाल शो, इज अ लाइव कॉल्स बेस्ड शो होता है फ्राइडे नाइट, सो वो बहुत धमाल शो होता है। लेकिन जो संडे नाइट शो है दैट्स एंटायरली शुमाल जनूब यू कैन से, वो गजल नाइट, कोई दिल दुखों के लिए, दिल जलों के लिए वो प्रोग्राम होता है। ठीक है, आप सब तो कहीं ना कहीं से इस दौराहे से गुजरे होंगे जहाँ पे दिल जले हो कटे हो। ऑफ कैमरा यही पूछ रही थी, मैंने कहा कि मुझे भी मतलब एक शौक होता था तब, आज मैं यही बताती 3 साल पीछे चले जाएं तो तब एंड्रॉयड फोन की तो मम्मा पापा ने देख ही नहीं था, छोटा फोन होता था, मेमोरी कार्ड उसमें डालने नहीं थी, एंड्रॉयड जो है इसने तो
जिंदगी को वक्त ही डाल दिया इसे यूं कहते किसी भी वक्त डाल दिया इसमें कोई इस पे कोई शक नहीं है। उसमें होता था कि रात को जब वे ना वो सुनते होते थे 9.3 आई थिंक एफएम था तो मैं सुनती थी उस पे जो पोएट्री एक लड़की कर रही होती थी मुझे बड़ा मजा आता था उसे सुनने में उसको सुन सुन के उस एफएम को सुन सुन के मेरा दिल करता था कि मैं एफएम करूं क्योंकि मैं सोचती कि मैं रात को जागती थी इससे अच्छा मैं एफएम कर लिया करूं बैठ के लोगों से बातें किया करूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अगर लोगों से बातें करूं उनकी चीज़ें पूछती जाऊं तो मैं भी पूछती थी कि अच्छा अगर मैं एफएम करूं तो उन्होंने मुझे बोला आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए मैंने कहा अच्छा बोल लूँगी लेकिन टॉपिक क्या हो फिर एक ना इन्होंने तीन चार मुझे ऑप्शन दिए जिसमें मुझे सबसे अच्छा लगा शादी का टॉपिक तो मैं इंटरेस्ट इसमें होगा ना नहीं नहीं सोचते नहीं आजकल कोई घर वालों के रिश्ते रिश्ते तो नहीं आ रहे शादी को बहुत मुश्किल बना दिया गया ना आज के दौर में अभी जैसे रिसेंट एक कुछ आर्टिस्ट हैं जिनकी शादी गुजरी तो वो जी एक माह शादी चलती रही है कहने का मकसद ये है कि जो हमारे जो लोग हैं ना वो बहुत सिंपल है यहाँ पे अगर हम आम गरीब की बात करें वो शायद अपनी बेटी की बारात का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो शादी को इतना टफ मत बड़ा अच्छा टॉपिक है मदिया इस पर अभी हम बात करते हैं लेकिन अभी हमें बॉबी की जाने जाना है उनसे गाना सुनना एक अच्छा सा रांझा तो आप सुनाने वाले हमें Yeah, that's my hit song, Ranjana. Okay, and Ranjana. Yes, lyrics and composition is really good. Aap suning is gonna be okay. love. So Ranjana for everyone in the morning. And good morning. Okay. All. तेरे बाजों कोई ना मेरा मेरी कूक सुनेगा केड़ा तेरे बाजों कोई ना मेरा मेरी कूक सुनेगा केड़ा दुख दर्द लाया ले Oh,
ग्रेट भाई, जबरदस्त, बहुत सगाया आपने। ये दिल की आवाज, ये टूटे हुए दिल की आवाज थी, ये वाकई टूटे हुए दिल की आवाज है। एफएम ऐसे नहीं होता जो सैटरडे की नाइट। ठीक है, ये इसमें फ्लूट का जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जो बाकर भाई हैं, उनके जो हमारे पाकिस्तान के बहुत मशहूर फ्लूट प्लेयर हैं, उनके जो बेटे हैं बादशाह, ये दोनों माशाल्लाह से पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये फ्लूट का इतना प्यारा पीस है इसके अंदर, ये सबसे ज्यादा फेवरेट है। आपने देखा इस गाने की एक सोल है, देयर इज अ सोल बिहाइंड द सॉन्ग, के कुछ बिछोड़ा है, फिराक है, तकलीफ है। तो मकसद ये नहीं होता किसी भी आर्टिस्ट का, कहते हैं ना दिल को लगी हो तो फिर सही फील निकलता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आप अल्लाह पाक की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कुछ चीजों के, ठीक है, और आपने वो जो आपके अंदर टैलेंट एबिलिटी अल्लाह पाक ने रखी होती है वो एक अमानत होती है, और वो अमानत है ना आपने लोगों तक पहुंचानी है, वो एक्टिंग है, वो सिंगिंग है, वो चाहे कोई स्टेज ड्रामा है, वो व्हाटएवर, उस टैलेंट को आप जितना मर्जी छुपा लें वो सामने आना ही आना है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सिर्फ टैलेंट को फील कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर काम करना, यू हैव टू वर्क आउट ऑन दैट टैलेंट टू, तभी तो एबिलिटी लोगों को पता चलेगी। भाई ये बहुत कमाल है यार, ये बहुत अच्छी होस्ट है भाई, आपको अगर आप एक्सपीरियंस ना करती तो आज आप इस जगह पे नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, सो सिर्फ सोच लेना कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, दैट्स नॉट प्रीटी मच इनफ, यू हैव टू वर्क आउट ऑन दैट थिंग टू। मुझे तो मतलब आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सुबह सुबह वो अब रेडियो पे, भाई रेडियो बोलने वाले जो लोग हैं आप ये मत समझे। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली आरजेस, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मतलब तो मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ, यू कैन से दैट, यू वांट टू एक्चुअली से दैट, ऐसी बात नहीं है, आप अच्छे इंसान है ऑब्वियसली, लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ जनरली, जोक्स अपार्ट, एग्जैक्टली। अच्छा मधिया, आपकी तरफ आते हैं, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है और कैसा एक्सपीरियंस रहा ड्रामा का? आप बता रही थी कि कुछ आपको काला बना दिया गया, इसके अलावा कैसा, क्या सीखने को मिला? सीखने को क्या मिला, एक्सपीरियंस जो था रांझा रांझा करती का बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उसमें एक चीज़ ये थी कि करेक्टर है काम, मतलब जो घर में जो काम वालियाँ होती हैं, अब उसमें ऑनर कहाँ हुआ है उसे? ये हम पे। अच्छा, हम टीवी पे, अरे वाह, तो very good. उसका ये है कि आप उसमें काम वाली है, और अब जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, माजरत माजरत के साथ, माजरत के साथ करेक्टर आपके लिए बड़ा उन्होंने चुनके निकाला है। वो क्यों? ठीक है, वो है ना, काला जोड़ा गाना भी बड़ा फिट है, और ऊपर से आपका रंग भी उन्होंने काला रखा है, तो कहीं काला तो ड्रेस तो नहीं पहनाया उसमें? नहीं नहीं, काला ड्रेस नहीं, ड्रेस तो मुझे कुछ ऐसा पहनाया कि शायद वो 200 रुपए वाली कमीज होगी, और वो इतना बुरा हाल किया, दुपट्टे को जगह जगह से यूं यूं किया, कैरेक्टर में घुस जाना ये भी बहुत बड़ी। अच्छा, अब उसमें, अब जैसे मैं अब आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ, हम ऐसे नॉर्मल बात करते हैं, अब उसमें कैसे, अब उसमें मेरा एक सीन था जैसे मुझे कहना था कि लैबा जी वो तो सुबह सुबह चली गई, वो मुझे बोलते हुए कुछ ऐसा फील हो रहा था, मैंने जब देखा मैं इतनी पेंटू तो मैं नहीं जितना, लेकिन एंजॉय करती हूँ ऐसे, मतलब बिल्कुल मैंने किया, मैंने बिल्कुल इसको एंजॉय किया, लेकिन कहने, अच्छा ये एक्सपीरियंस किस तरह हुआ कि अपने काम वाली से, अगर वो ये होता कि हम काम वाली ना ना देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें समझ आएगा कि वो कैसे बोलती है किसी भी करेक्टर को, ऑफ कोर्स आपने अच्छा कैरी करना, तो आपको बैठना सीखना, वो टांग यू बेंड करके तो वो यूं रख के बैठना, ये वो मतलब एक उनकी एक चीज मैंने पिक की, लेकिन अब मुझे इसका लगता है कि ये फायदा होता है कि आपको हर चीज को ऑब्जर्व करना चाहिए, एक एक चीज आपको देखनी चाहिए कि हर बंदा किस तरह परफॉर्म कर रहा है, आपको कभी ना कभी वो करेक्टर दिया जाए। अच्छा, माजरत के साथ अगर आपको अभी ये कह दिया जाए कि वो जो काम वाला करेक्टर है थोड़ा सा परफॉर्म करें नीचे बैठ के, और इर्द गिर्द के जो घर वालियां हैं जो लेफ्ट राइट पे पड़ोसी हों के हाँ क्या हो रहा है, सास ने क्या बहू को कह दिया, और बेगम अपने शोहर से लड़ पड़ी, ठीक है तनख्वाह लेट पहुंची है, तो अगर इस तरह का आज ही परफॉर्म करें, अगर हो जाए तो दैट्स गोना बी ग्रेट। नीचे बैठ के नहीं, यहां बैठ के चले के करें, चले आप मेरी वो बन जाए, वो क्या कहते हैं मालिकन बन जाए, हां आप, चले जी मैं आपकी मालिकन हूं, आप मुझसे कुछ पूछें मैं आपको फिर पंजाबी में पूछना, लेकिन पंजाबी गल करनी है। दुआ इतनी लेट क्यों आई है? दस ना जरा मैनू। लैबा जी तानू की पता है, और नाल जी ने और नाल जी ने नू सी ना ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਫਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰੇ ਭੁੱਖਾ ਨਸ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਇੰਨਾ ਲੜੇ ਨੇ, ਸੱਸ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। मुझे बताए आप किस तरह से वो भी लेकर चल रहे हो, इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे काम, कैसे मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट? डियर लेट मी टेल यू, आई डोंट हैव फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये है, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। फैमिली को भी टाइम देते हैं, फ्रेंड्स की तरह उनको भी कट ऑफ कर दिया?
family bichari bahut survive karti hai acha aur thank god ke dad jo hai is really very supportive okay mom jo hai wo she's no more actually so dad jo hai wo bahut supportive hai ab ek aur baat main bolunga to log yakeen nahi karenge wo kya I was in elite force main police mein 4 saal raha oh my god acha theek hai meri life ka ye bhi ek experience raha hai lekin wo kehte hai na ke allah pak ne jaise maine pehle kaha jo aapke andar abilities hoti hain you have to work on that abilities तो आई वॉज अनफिट इन दैट तो वो क्विट कर दिया वो मैंने छोड़ दिया वरना मैं तो पुलिस वाला सीखा मैंने मूछें अजीब सी और इतनी हॉर्नर शक्ल थी मेरी अच्छा बचपन में तो मैं जब पुलिस की गाड़ी भी देखती थी ना तो मैं छुप जाती थी मैंने उठा के ना लीजिए मुझे लगता था बिना वजह सबको उठा के ले और मुझे लगता है वो मार कुटाई करने वाले थे अगर उनकी शादी भी हो जाती है तो वो अपनी बीवियों को खुद मारते ये वैसे बात आपकी ऐसा नहीं है मैं डिसएग्री करता हूँ वो इस तरह से देखें अपना अपना कल्चर डिपेंड करता है और समटाइम माहौल आप पे बहुत ज्यादा असर हो जाता है ठीक है अच्छा तो वो भी सुबह सुबह उठने वाले या लेट नाइट जागने वाले लोग हैं मैं इस टाइम सोने वाला बोल रहा हूं अच्छा लिटरली लेकिन एज आई टोल्ड यू माय वर्क इज एवरीथिंग फॉर मी तो आई एम वेरी मच कमिटेड जिंदगी में देखें अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपने मुझे इनवाइट किया है मैं हजारों शोज में जा चुका हूं लेकिन हमेशा मेरा यही तरीकाकार होता है आई लव टू बी ऑन टाइम अच्छा लगता है वक्त पे जाना क्योंकि ये मुझे अल्लाह पाक ने एक मौका दिया है कि अपनी आप को मैं लोगों को दिखा सकूं बता सकूं ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप वक्त पे पहुंचे जो कमिटमेंट आपने की उसको पूरा करें मतलब आप ही ऐसे कमिटेड हैं अपने वर्क से लेकिन या फिर आप लेट पहुंचने वाली हैं वो आर्टिस्ट जो नखरे करते हैं लेट पहुंचते हैं सेट पर गड्डी पे ठीक है पिक एंड ड्रॉप देंगे आप मुझे वरना नहीं लेट वाला तो हिसाब अच्छा सर ऐसा होता अगर सेट पर मुझे कहा है ना कि सुबह 6 बजे के कॉल टाइम है मुझे पता है कि 6 बजे काम कभी शुरू नहीं होता काम आपका 9-10 बजे जाके शुरू होगा लेकिन मैं 5:45 पहुंच जाऊंगी और फिर जब पहुंच जाओ फिर उधर जाके तो नींद भी आ रही हो तो जो मर्जी हो रहा हो तो फिर वो मैटर नहीं करता क्योंकि ऑब्वियसली जागना पड़ता है आपको लेकिन मेरे साथ ऐसे होता है कि रात को अगर मैं जैसे 3 बजे सोई हूँ अब जैसे मैं अब आज ही कल रात के लगा ले मैं रात सुबह 3-4 बजे सोई हूँ लेकिन अभी मुझे पता था मुझे उठना है तो मेरा मैटर ये होता है कि उठना किस टाइम है काम है तो जल्दी उठ जाना नहीं है तो फिर 2-3 बजे तक सिर्फ सोना होता अच्छा, है तो सुबह सुबह उठने वाली है जल्दी काम की डिमांड पे हूँ काम अगर वैसे अगर नहीं वैसे आप ना होता है ना रूटीन अगर आपको डिस्टर्ब हो तो फिर आप उठना शुरू कर देते नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं मैं फिर लेट होती हूँ 12-1-2 बार मुझे सबसे पहले मैंने तुमसे पूछना था क्योंकि तुम एक लड़की हो अपने काम इस तरह का मीडिया वाला उसमें आपको बड़ा मेंटेन रखना पड़ता है खुद को बड़ा फिट रखना पड़ता है तो खाने पीने पर किस तरह डाइट का किस तरह ख्याल करती हो डाइट का मैं ऐसे ख्याल करती हूँ कि अच्छा कुछ लोग कहते हैं जी रोटी छोड़ दें मेरी रोटी ना छुड़वाए मुझसे सब कुछ छुड़वा दे मैं अच्छा मेरा एक बहुत ना समझ लेंगे मसला या अच्छाई है ये मुझे नहीं पता मैं सालन नहीं छोड़ सकती हूँ अगर मैंने दिन में सालन नहीं खाया तो मुझे इसको मुझे बिरयानी दें आप चिकन दें मैं नहीं खाऊंगी उसकी जगह मुझे आप दाल देंगे तो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि दाल के साथ आपको चस्के बड़े मिल रहे होते हैं चले हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा पैगाम भेजे मदिया किस हवाले से पैगाम शादी के हवाले से मुझे आजकल बहुत गुस्सा आ रहा है पैगाम उनको मोटिवेट करने के लिए जो लोग अपना टैलेंट घर में छुपा कर बैठे हैं और नहीं जा रहे उस तरफ हाँ ठीक है जो लोग अपना टैलेंट नहीं दिखाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ये है कि आपको एक दफा ट्राई जरूर करना चाहिए अपने आप को एक दफा सामने लाना चाहिए किस्मत आजमाने में कोई हर्च नहीं आप उसे आजमा सकते हैं वो भी आप मेरे एंड से जस्ट डू योर बेस्ट व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ जिंदगी में आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दे दीजिए ये मत सोचिए कि मैं कामयाब हूँगा या नाकामी होगी क्योंकि व्यवस्था रहे उम्मीद है चलें जी विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए आप दोनों के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आप लोग हमारे पास हमारे शो का हिस्सा बने इट वाज लवली टू बी हियर ओके अब लास्ट में हम चाहेंगे कि बोबी हमें एक अच्छा सा ट्रैक सुना दें और आप लास्ट में एंजॉय कर सकें चलें श्योर सो लास्ट सॉन्ग इज ऑन योर वे लव यू थैंक यू आया ये तूफान
ਗੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਲਿਆਵਾਂ ਨਾਲੇ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਵਾਂ ਅਰਮਾਨੀ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਗੁੱਚੀ ਦੀਆਂ ਨਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਵਾਂ 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 ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਵਾਂ ਯੇ ਆਈ ਕਿਸ ਯੂ ਫਰੋਮ ਯੂਰ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਹਾਊ ਮੱਚ ਆਈ ਲਵ ਯੂ